सहयोग रेजिडेंशियल स्कूल फॉर स्पेशल चिल्ड्रन के बच्चों द्वारा दीपावली के शुभ अवसर पर बनाए गए मोमबत्तियों को बेचने का फैसला नीरचौक व्यापार मंडल ने लिया है। नीरचौक व्यापार मंडल के व्यापारी सहयोग रेजिडेंशियल स्कूल फॉर स्पेशल चिल्ड्रन में पहुंचे तथा उनके द्वारा बनाए दीपावली के दिए मोमबत्तियां देखे तथा सारे मोमबत्ती दिए खरीद लिए तथा फैसला लिया कि अब वे दीपावली के शुभ अवसर पर दिव्यांग बच्चों द्वारा बनाए गए मोमबत्तियां वे दिए बेचेंगे तथा चाइना का कोई भी प्रोडक्ट नहीं बेचेगा। नागचला स्थित सहयोग रेजिडेंशियल स्कूल फॉर स्पेशल चिल्ड्रन की संयोजिका गीता पुरोहित ने बताया कि नीरचौक व्यापार मंडल के अध्यक्ष से उनकी बात हुई थी। कोरोना काल के चलते उनके प्रोडक्ट ना बिकने की बात उन्होंने उनसे की थी, जिसके चलते नीरचौक व्यापार मंडल ने दिव्यांग बच्चों के सहयोग के लिए तथा दीपावली पर लोकल प्रोडक्ट को बेचने का फैसला लिया है। नहीं बिकेंगे तो हमने थोड़ा सा बना के रखे हुए हैं। अगर हमें पता होता कि आप हमारे इस प्रोडक्ट को आगे सप्लाई करेंगे तो हम जरूर ज्यादा से ज्यादा आपको कैंडल प्रोवाइड करवाएंगे। और ये बच्चे काफी कॉपरेट टाइप के होते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं, ऐसा नहीं कि अपने ही बारे में सोचते, दूसरों की भी बहुत हेल्प। नीरचौक व्यापार मंडल के अध्यक्ष गोविंद ठाकुर, लहर सिन्हा, एस कुमार, तेजपाल शर्मा, सुभाष आहूवालिया ने बताया कि आज उन्होंने सहयोग रेजिडेंशियल स्कूल फॉर स्पेशल चिल्ड्रन से उनके द्वारा बनाए गए दिए व मोमबत्तियां खरीदी हैं तथा उन्हें बाजार में बेचेंगे। व्यापारियों तथा स्थानीय लोगों में इन प्रोडक्ट को लेकर भारी उत्साह है। वहीं सहयोग स्कूल फॉर स्पेशल चिल्ड्रन की अध्यापिका खुशहाली शर्मा व सरिता ने बताया कि उन्हें और ऑर्डर आने की आशा है तथा दीपावली तक और प्रोडक्ट तैयार करेंगे, जिसको लेकर दिव्यांग बच्चों में भी भारी उत्साह है। आज नीरचौक व्यापार मंडल ने एक पहल की हुई है और आज नीरचौक व्यापार मंडल के कुछ हम लोग जो हैं, जो हमारा सहयोग रेजिडेंशियल स्कूल फॉर स्पेशल चिल्ड्रन है, उनके द्वारा ये बनाए गए प्रोडक्ट्स हैं, उन्हें हम यहाँ पे लाए हुए हैं, अपने पास लाए हैं। उन्होंने जितने प्रोडक्ट्स बनाए थे वो व्यापार मंडल की तरफ से हमने खरीदे हैं और हमने दीपावली पे लोकल इज वोकल और अपने ये जो बच्चे हैं इन्होंने जो ये काम किया है उसको प्रोत्साहित करने के लिए अपनी दुकानों पे अब चाइनीज सामान ना बेचकर हम ये मोमबत्तियाँ और दिए इस वर्ष बेचेंगे। हमने ये शुरुआत की है और हमें एक बहुत ज़्यादा आशा है कि स्थानीय लोग, ग्राहक और दुकानदार और अपने घर के यूज़ करने के लिए भी लोग इन प्रोडक्ट्स को लेने के लिए बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे।